आज के क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा सातवीं का विज्ञान का अध्ययन है, ठीक है। मृदा, सॉरी, लेकिन मृदा क्या होती है, जो मिट्टी होती है उसको बोला जाता है मृदा। कितने प्रकार होते हैं, इन प्रकारों के ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके बारे में जानेंगे और आगे इस चैप्टर को समाप्त करेंगे। मृदा मिट्टी सबसे सबसे महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन में से एक है। यह पादपों को जड़ पादपों की जड़ों के दृढ़ता, दृढ़ता मतलब कठोरता होता है, एक तरीके से जकड़ के रखना, दृढ़ता से थामे रखकर तथा उन्हें जल और पोषण तत्वों की पोषण तत्व पदार्थ होते हैं जो पौधे को बढ़ने विकास करने में सहायक होते हैं, उसे कहते हैं पोषक तत्व, ठीक है। कि आपूर्ति क्या पूर्ति करने के करके उनके वृद्धि में सहायता करती है, ठीक है। यह अनेक जीव का आवास है, आवास होती है जगह जहाँ पर रहते हैं, ठीक है। जीव जो लिविंग होते हैं जीव, ठीक है। कृषि के लिए मृदा, कृषि की खेती, कृषि के लिए मृदा अनिवार्य है। कृषि हम सभी को भोजन, कपड़ा और आश्रय प्रदान करती है, भोजन, कपड़ा और आश्रय मतलब रहने के लिए जगह, ठीक है। अतः मृदा हमारे जीवन का अभिन्न भाग है, अभिन्न मतलब जो हमसे अलग ना हो सके, अभिन्न भाग है। पहली वर्षा के बाद मृदा की शोधे गंध सफेद ताजगी भर देती है। देखो ये पहली वर्षा होती है फर्स्ट बार जो बारिश होती है वो उसकी जो स्मेल होती है, ठीक है, गंध होती है और ऊर्जा की तरह भर देती है, मिट्टी की खुशबू बहुत अच्छी लगती है पहली बारिश की, ठीक है। मृदा जीवन से भरपूर है। देखो मृदा के बारे में, वर्षा ऋतु, वर्षा का मौसम होता है, मानसून होता है। वर्षा ऋतु में एक दिन पहेली और बूझो ने मृदा में से एक केचुए को बाहर बाहर आते देखा। पहली ने सोचा कि क्या मृदा के अंदर और भी जीव रहते हैं, आइए हम पता लगाते हैं। अब भाई केचुआ आया जमीन के अंदर से। पहली ने देखा, सोचा भाई इसके अंदर और भी कुछ रहते हैं क्या, सिर्फ केचुए रहते हैं जमीन के अंदर, ठीक है। तो निकला 9.1 एक्टिविटी, विभिन्न स्थानों से मृदा के कुछ नमूने एकत्रित कीजिए और उनको ध्यानपूर्वक देखिए, ठीक है। मिट्टी के नमूने एकत्रित करना, मिट्टी उठानी है तो उनको ध्यान से देखना है। मृदा के नमूने एकत्रित करते बच्चे, चित्र में देखा था मिट्टी एकत्रित कर रहे हैं, उठा रहे हैं अलग अलग नमूने अलग अलग स्थान से, कुछ कुछ दूरी से, ठीक है। मैं जानना चाहती हूँ कि सड़क के किनारे और बगीचे से एकत्रित किए गए नमूने में मुझे प्लास्टिक की वस्तुएं और पॉलिथीन की थैली के कुछ टुकड़े क्यों मिले। पॉलिथीन प्लास्टिक के टुकड़े भाई ये कैसे मिल रहे जमीन के अंदर, ये जो हम यहाँ पर जो कूड़ा कचरा फेंक देते हैं भाई, ये उन्हीं के कारण पहुँच जाते हैं भाई मृदा के अंदर रहता है और ये सड़ता नहीं है, डिकम्पोज नहीं होता, जिसके कारण ये प्रदूषित करता है मृदा को। पॉलिथीन की थैली और प्लास्टिक मृदा को प्रदूषित करते हैं, ये मृदा में रहने वाले जीवों को भी हानि पहुंचाते हैं। इसीलिए पॉलिथीन की थैलियों और प्लास्टिक की वस्तुओं के उपयोग पर प्रतिबंध की मांग की जा रही है। अनेक प्रकार के अपशिष्ट पदार्थ, रसायन तथा पीड़क नाशी मृदा को प्रदूषित करते हैं। ऐसे अपशिष्ट पदार्थों और रसायनों को मृदा में नियुक्त करने से पहले उन्हें उपचारित किया जाना चाहिए। उपचार का मतलब उसको चेंज कर देना चाहिए जिससे कि वो आसानी से मृदा में मिक्स हो जाए। पीड़क नाशियों का उपयोग कम से कम किया जाना चाहिए, ठीक है भाई। मैंने हाट बाजार में मिट्टी के बने हुए बर्तन और खिलौनों को देखा है। हाट बाजार होता है जैसे क्राफ्ट, हाथों से बनी मिट्टियाँ होती है, हाथों से बने हुए बर्तन होते हैं, मिट्टी के बर्तन और संस्कृति से अपने कल्चर से जुड़े हुए सामान बिकते हैं भाई हाट बाजार में, ठीक है, क्राफ्ट होता है। मृदा परिच्छेदी का प्रोफाइल,
मृदा अनेक परतों की बनी होती है। ये जानने के लिए कि ये परतें किस प्रकार व्यवस्थित रहती है, आप निम्नलिखित क्रियाकलाप करें। देखो भाई, किस प्रकार व्यवस्थित होती है मृदा की जो लेयर होती है, पहले कौन सी, दूसरे, तीसरे, चौथे, कौन सी लेयर में क्या मिलता है, क्या पाया जाता है, ठीक है, ये जानने के लिए एक एक्टिविटी 9.2। थोड़ी सी मृदा लीजिए, ढेलों को अपने हाथ से तोड़कर उसका चूर्ण बना लीजिए। अगर पत्थर ढेले को रोकना है तो उसे तोड़कर तो उसको चूर्ण बना लीजिए। अब 3/4 जल से भरा कांच का एक गिलास लीजिए, ठीक है भाई, गिलास, और उसमें मुट्ठी भर मृदा मिला दीजिए। इसके लिए इसे किसी छड़ से अच्छी तरह से हिला लीजिए, और उसको मिक्स कर लेना है, ठीक है, और मृदा पानी में मिल जाए। अब इसे कुछ देर के लिए ऐसे ही रखा रहने दीजिए, कोई मूवमेंट नीचे कोई हिलना नीचे कोई इसके अंदर कुछ भी हिलाना नहीं है। जैसे डाला गया, हिला दिया गया, उसको छोड़ दो, शांत होने दो। कुछ देर के लिए ऐसे ही रखे रहने दीजिए। कुछ समय के बाद गिलास के पानी को देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब भाई क्या 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 होता है इसके अंदर वो देखिए। कुछ समय के बाद ह्यूमस, जल, मृत्तिका, बालू, बजरी, कंकड़ होते ना वैसे बजरी होते हैं, ठीक है, सबसे नीचे चले जाएगी बजरी, ठीक है, क्योंकि उनका वजन अधिक होता है, ज्यादा होता है, ठीक है। क्या आपको कांच के गिलास में भिन्न 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 अमाप अमाप मतलब साइज के कणों की परतें दिखाई देती हैं? इन परतों को दर्शाते हुए एक चित्र बनाइए। ये चित्र बनाएगा ना, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, फोर्थ, ठीक है, इस तरीके से क्या होगा, ये परतों में बढ़ते चले गए एक ऊपर, ठीक है। क्या जल में कुछ मृतक अथवा सड़ी गली पत्तियां के टुकड़े अथवा जंतु अवशेष तैरते दिखाई दे रहे हैं? सबसे ऊपर तैर रहे थे भाई, मृदा की उपस्थिति, सड़े गले जीव पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं, ठीक है भाई, ह्यूमस कहलाते हैं क्या भाई, जो नेचुरल होते हैं, जो सड़ जाते हैं पत्तियां या कोई जीव होता है मर जाता है, सब बोलता भाई ह्यूमस। आप शायद जानते होंगे कि पवन, जल और जल वायु की क्रिया से चट्टानों के टूटने पर मृदा का निर्माण होता है। देखो भाई, मृदा बनती कैसे है, मृदा का निर्माण कैसे होता है, जो बड़े बड़े चट्टान होते हैं और टूटते हैं, ठीक है, उससे क्या बनते हैं मृदा। ये प्रक्रम अपक्षय कहलाता है। किसी मृदा की प्रकृति उन शैलों पर निर्भर करती है जिससे इसका निर्माण हुआ है, और यह उन वनस्पतियों की किस्म पर निर्भर करती है जो उसमें उगते हैं, ठीक है भाई। अलग अलग प्रकार की मिट्टियाँ अलग अलग शैलों से निर्मित होती है। मृदा के विभिन्न परतों से गुजरते ही उर्वरकाट मृदा परिच्छेदिका कहलाती है। प्रत्येक परत स्पर्श से गठन, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में भिन्न होती है। ये परतें स्तर संस्तर स्थितियां कहलाती हैं। चित्र 9.3, ये भाई ये पत्र ये परत है ABCD, ठीक है भाई, आधार शैली संस्तर स्थिति ABC और आधार शैली में डिवाइडेड होते हैं, ठीक है। मृदा परिच्छेदिका, हम सामान्यतः मृदा की सबसे ऊपरी शीर्ष परत को देखते हैं, ठीक है, जो हम जमीन को देख रहे थे सबसे ऊपरी शीर्ष परत होती है मृदा की, उसके नीचे वाली परत को नहीं मतलब उसके पीछे नीचे वाली परत को नहीं देख सकते। यदि हम हाल ही में खोदी गई
भी खाई के पार्श्व भाव को देखते हैं, मतलब उसके अंदर देखते हैं तो हम मृदा की भीतरी परत को भी देख दिखाई देती है। ठीक है भाई, हमें मृदा की भीतरी परत दिखाई दे जाएगी, उसके अंदर देख सकते हैं। ऐसी स्थिति में हम उन स्थानों के मृदा परिच्छेदिका का प्रेक्षण कर सकते हैं। मृदा परिच्छेदिका कुएं की खुदाई करते समय अथवा किसी इमारत की नींव खोदते समय भी देखा जा सकता है। इससे पहाड़ों पर, सड़कों के किनारे अथवा नदियों के खड़े किनारों पर भी देखा जा सकता है। जिसमें मिट्टी काटी दी गई हो उसे किनारे से देखा जा सकता है। इसे सबसे ऊपर वाली संस्तर स्थिति सामान्यतः गहरे रंग की होती है, क्योंकि ये ह्यूमस और खनिज से समृद्ध होती है। ह्यूमस मृदा को उर्वर बनाता है, मतलब उपजाऊ बनाता है, और पादपों को पोषण प्रदान करता है। पादप पोषण, पादप मतलब होता है पेड़ पौधे। ठीक है, पादप मतलब पेड़ पौधे। ये परत सामान्यतः मृदा तरंद्र और अधिक जल को धारण करने वाली होती है। इसे शीर्ष मृदा अथवा ए संस्तर स्थिति कहते हैं। शीर्ष मृदा क्रोमियो क्रोन्तको सुषुंदरों और भृंगों जैसे अनेक जैसे अनेक जीवों का आश्रय प्रदान करती है। ऐसे छोटे पादपों की जड़ पूरी तरह से शीर्ष मृदा में ही रहती है। छोटे छोटे पादप होते हैं, जो फसलें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं शीर्ष मृदा में रह जाती है, ऊपर तक रह जाती है। बड़े पौधों के नीचे तक चले जाते हैं, बड़े पेड़ों के शीर्ष मृदा के नीचे की परत में ह्यूमस कम होती है, लेकिन खनिज अधिक होते हैं। यह परत सामान्यतः अधिक कठोर और अधिक सहंत घनी होती है, और बी संस्तर स्थिति का मध्य परत कहलाती है। ठीक है, मध्य बीच की परत। ठीक है, बी ठीक है भाई। तीसरी परत सी संस्तर स्थिति कहलाती है, जो दरारों और विद्रुप युक्त शैलों के छोटे ढेलों की बनी होती है। इस परत के नीचे आधार शैल होता है। शैल मतलब मिट्टी, पत्थरों के चट्टान, आधार शैल। ठीक है, होता है जो कठोर होता है और इसे फावड़े से खोदना कठिन होता है। ठीक है भाई, स्ट्रॉन्ग होता है, रफ एंड टफ होता है। फावड़ा एक टूल है भाई, औजार है मिट्टी खोदने के लिए। मृदा के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉइल, किन किन प्रकार की मृदा होती है। जैसे कि आप जानते हैं, शैलों के अपक्षय ऐसे विभिन्न पदार्थों के छोटे छोटे कण निर्मित होते हैं। इनमें बालू और चिकनी मिट्टी, क्ले, चिकनी मिट्टी बोलते हैं भाई, क्ले सम्मिलित है। इसी मृदा में बालू और चिकनी मिट्टी का अनुपात उस मूल स्टाइल का निर्भर करता है जिससे उनके कण बने हैं। क्योंकि बालू कितनी है और चिकनी मिट्टी कितनी है भाई, ये डिपेंड करता है उस स्टाइल के ऊपर जिस स्टाइल से वो बने हैं। ठीक है, स्टाइल कणों में और ह्यूमस का मिश्रण मृदा कहलाता है। ठीक है भाई, स्टाइल कणों और ह्यूमस, पत्तियां और जीवों के मृत ह्यूमस होते हैं भाई, और स्टाइल होते हैं पत्थरों के टुकड़ों से जो बनता है ना भाई, बड़ी बड़ी स्टाइलें टूट जाती हैं को बोलते हैं। इन दोनों मिश्रण ही मृदा कहलाता है। जीवाणु जैसे कि बैक्टीरिया, पादप मूल और केचुए जैसे जीव भी मृदा के महत्वपूर्ण अंग है। ठीक है भाई, केचुआ किसान का दोस्त होता है भाई, ये मिट्टी में उर्वरक क्षमता बढ़ाता है। मृदा को उसमें पाए जाने वाले विभिन्न अमाप साइज के कणों का अनुपात के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यदि मृदा में बड़े बड़े कंकड़ों का अनुपात अधिक होता है तो वह बलुई मृदा कहलाती है। ठीक है भाई, अगर बड़े बड़े कंकड़ों का अनुपात अधिक होता है तो मृदा बलुई मृदा कहलाएगी। बलुई मृदा किसे कहते हैं भाई, जिसके अंदर अधिक कंकड़ मिले। ठीक है, यदि बारीक सूक्ष्म कणों का अनुपात अपेक्षाकृत अधिक होता है तो यह मृणमय मृदा कहलाती है। यदि
बड़े और छोटे कंकड़ों की मात्रा लगभग समान होती है, ठीक है, तो ये दुमटी मृदा कहलाती है। अतः मृदा का वर्गीकरण बलुई, दुमटी और मृणमय के रूप में है। बलुई में बड़े बड़े कंकड़, दुमटी में कंकड़ और मिट्टी दोनों ही मिक्स होती है, और मृणमय में ज्यादातर मिट्टी मिलेगी भाई, ठीक है। मृदा के कणों कणों के अमाप का उसके गुणों पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। बालू के कण अपेक्षाकृत बड़े होते हैं, ये आसानी से एक दूसरे से जुड़ नहीं पाते, अतः इनके बीच में काफी रिक्त स्थान होता है। यह स्थान वायु से भरे रहते हैं, अतः हम कह सकते हैं कि बालू सुव्यवस्थित होती है। बालू के कणों के बीच के स्थान में से जल की निकासी तेजी से हो जाती है। देखो भाई, ऐसा होता है कि अगर बालू के कण है तो उनके बीच में गैप होता है, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं ऐसे, इनके बीच में जगह होती है, पानी तुरंत फ्लो कर जाता है, बाहर हो जाता है, ठीक है, पानी टिकता नहीं है। अतः बलुई मृदा हल्की सुवातित और शुष्क होती है, सूखी शुष्क, ठीक है। मृत्तिका चिकनी मिट्टी के कण सूक्ष्म बहुत छोटे होने के कारण आपस में जुड़े होते हैं, ठीक है। मृत्तिका मतलब चिकनी मिट्टी के कण आपस में चिपके होते हैं और उनके बीच रिक्त स्थान बहुत कम होता है। बलुई मृदा के विपरीत इसके कण के बीच में सूक्ष्म स्थान में जल रुक जाता है, इससे क्या होता है, पानी को रोकने की कैपेसिटी होती है। अतः चिकनी मिट्टी में वायु कम होती है, जगह कम होगी भाई इनके कणों के बीच में, तो वायु कहाँ आएगी भाई, जगह ही नहीं है तो वायु नहीं आ पाएगी, ठीक है। लेकिन ये भारी होती है क्योंकि इनमें बलुई मृदा की अपेक्षा अधिक जल रहता है, ठीक है, जल को रोक लेती है और बलुई मृदा में से जल बाहर निकल जाता है। पादपों को उगने के लिए सबसे अच्छी शीर्ष मृदा दुमटी है। दुमटी मृदा बालू चिकनी मिट्टी और गाद नामक अन्य प्रकार के मृदा मृदा कणों का मिश्रण होती है। गाद नदी तालों आधारों में नील छिप के रूप में पाई जाती है। देखो भाई, गाद क्या होता है, नदी नहर में तुम्हें दिख जाएगा गाद, बहुत सारी गाद तैरती हुई नजर आती है। गाद कणों का अमाप साइज बालू और चिकनी मिट्टी के अमापों के बीच का होता है। दुमटी मृदा मृदा में भी ह्यूमस होती है। इस प्रकार की मृदा में पादपों की वृद्धि के लिए उच्च मात्रा में जल धारण क्षमता होती है, ठीक है भाई। क्रियाकलाप 9.9 मृण में दुमटी और बलुई मृदा के नमूने एकत्रित कीजिए। किसी एक नमूने में दुमटी भर दुमटी नमूने में से मुट्ठी भर मृदा लीजिए। इनमें से कंकड़ पत्थर घास के तिनकों आदि को निकाल दीजिए। अब इसमें बूंद बूंद करके जल डालकर इसे बूंद लीजिए। केवल इतना जल डालें कि मृदा का घोल बनाया जा सके, गोला बनाया जा सके, सॉरी भाई, ठीक है, गोला बनाया जा सके, ऐसा गोला, ठीक है भाई, गीला होकर बहने ना लगे, हल्का पानी डालना है, ठीक है। मृदा से कार्य करना, मिट्टी से कार्य क्या है भाई, खेलते हुए बचपन में वही है भाई, ठीक है। लेकिन ध्यान रहे कि ये चिपचिपा नहीं होना चाहिए। मृदा से गोला बनाने का प्रयास करें। किसी समतल सतह पर इस गोले को एक बेलन के रूप में बेल लें, ठीक है, समतल सतह, ऊंची सतह नहीं, समतल सतह पर, ठीक है भाई। ये मिट्टी का बताया जा रहा है, मिट्टी के जो पार्टिकल्स होते हैं उनको किस प्रकार से मोड़ा जा सकता है, किस प्रकार से उसका उपयोग किया जा सकता है, ठीक है। मृदा के गुण, आप मृदा के कुछ उपयोग की सूची बनाई है, आइए अब हम मृदा के गुणों को जानने के लिए कुछ क्रियाकलाप करें। मृदा में जल अंतर्स्राव दर, देखो भाई, बूझो और पहले ने 15 सेंटीमीटर x 15 सेंटीमीटर अमाप के दो वर्ग अंकित किए, जिसमें से एक उनके घर के फर्श पर और दूसरा कच्ची सड़क पर बना था। दोनों दोनों समान समान की बोतलों से पानी डाला गया। देखो पानी डाला गया और देखा जा रहा है किसके अंदर पानी कैपेसिटी की क्षमता होती है। मिट्टी के ऊपर पानी डालते तो पानी मिट्टी सोख लेती है,
और डालेंगे और भी सोख लेंगे। ज्यादा होता है तो भाई जब कैपेसिटी फुल हो जाती है तो पानी जमीन के ऊपर भरना शुरू हो जाता है, ठीक है। अगर हल्का फुल्का पानी होगी तो भाई वो पानी को अंदर ही सोख लेगा, अपने अंदर जगह होती है जितनी उसके अंदर फिल कर लेगा पानी को। ठीक है, जो मिट्टी पे होगा ना भाई ऊपर उसमें ज्यादा पानी सोख जाएगा, ठीक है। मृदा में नमी, अब देखो भाई नमी का मतलब होता है उसके अंदर गीलापन, पानी, ठंडक, ठीक है भाई। क्या आप कभी ग्रीष्म काल में किसी किसी गर्म दिन को दोपहर में किसी खेत अथवा खुले मैदान में होकर होकर गुजरे हैं? संभवतः आपने देखा होगा कि जमीन के ऊपर की वायु कंपित हो रहे हैं, अर्थात ऐसा दिखता है जैसे गर्म वायु जैसे कि ऊपर उठ रही है, जैसे आग के अलाव से उठती है। ऐसा क्यों होता है? इसके रखलाव द्वारा हम इसका उत्तर जानने का प्रयास करें। देखो ऐसा होता है कि जो भी गर्म चीज होती है वो ऊपर की ओर उठने लगती है, जो गर्म होती है वायु वो ऊपर उठती है, वो जल वाष्प होते हैं, ठीक है भाई। जो मिट्टी के अंदर जो जल वाष्प होता है ना मिट्टी के अंदर वो ऊपर उठते हैं, तो वही दिखाई देते हैं हमें कि कुछ आग की अलावा द्वारा ऊपर उठ रहा है, ठीक है भाई। जैसा लगता है भाई आग का अलाव ऊपर उठ रहा है, ठीक है। मृदा द्वारा जल का अवशोषण, क्या सभी प्रकार की मृदा समान मात्रा में जल का अवशोषण करती है? आइए जानने के लिए एक क्रियाकलाप करें। अब देखो भाई किस प्रकार की मृदा कितनी जल का अवशोषण करती है, ठीक है भाई। अब ये एक्टिविटी 9.6 प्लास्टिक का एक टेप लीजिए, फिल्टर पत्र था, समाचार पत्र के कागज का एक टुकड़ा लेकर के उसमें मोड़ करके नीचे 7 के अनुसार टेप में लगा दीजिए। किसी मृदा के शुष्क पाउडर का 50 ग्राम तोलकर उसे टेप में लगाए, फिल्टर पत्र से डालिए। ठीक है भाई, देखो टिप लेना फिल्टर पेपर होता है जिससे जिसके अंदर से पानी तो पार जाता है लेकिन अशुद्धियां रुक जाती है, उसको वही होता है फिल्टर पेपर। किस प्रकार के मृदा के अंतःस्रावित दर सबसे अधिक होती है? किस प्रकार के मृदा के अंतःस्रावित दर सबसे कम होती है? किस प्रकार के मृदा के पड़ोसी सिस्टम के वर्ष वर्ष के 8-10 दिन वर्षा के 8-10 दिन बाद तालाब अथवा कुएं में जल का स्तर बढ़ता है? देखो ऐसा होता है भाई आसपास में पानी जब कुआं है, ये मिट्टी है भाई आसपास में, ठीक है, बरसा होगी बारिश होगी पानी जमीन में जाएगा, फिर पानी धीरे धीरे ऐसा होता है गहराई वाले क्षेत्र की ओर बढ़ता चला आता है और इसलिए इसके अंदर का जल स्तर क्या होता है भाई इंक्रीज होता है, ठीक है। मृदा और फसलें, देखो मिट्टी और फसलें, जिस प्रकार की मृदा उपस्थित होगी उसी प्रकार की फसल होगी। जैसे कपास के लिए काली मृदा से भी काली मिट्टी में अच्छी पैदावार करेंगे भाई कपास की, ठीक है। भारत के विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की मृदा पाई जाती है। कुछ क्षेत्रों में मृण में मृदा कुछ कुछ में दोमटी मृदा जबकि कुछ अन्य क्षेत्रों में बलुई मृदा पाई जाती है, ठीक है भाई। पवन वर्षा ताप प्रकाश की आर्द्रता द्वारा मृदा प्रभावित होती है, ठीक है भाई। मृदा तो प्रभावित होगी भाई, अगर बारिश अगर ज्यादा हो रही है तो दलदली हो जाएगी, ठीक है, नहीं उस पर भी सूख जाएगी वो बलुआ हो जाएगी, ठीक है। कपास के लिए बलुई मिट्टी दुमटी अथवा मृदा उपयुक्त होती है जिसमें जल की निकासी आसानी से हो जाए और जो पर्याप्त परिणाम में वायु को धारण करती है। गेहूं जैसी फसलें महत्वपूर्ण मृण में
मैदान में उगाई जाती है क्योंकि भाई अधिक उपजाऊ चाहिए जमीन उसके लिए, अधिक पोषक तत्व चाहिए गेहूँ के लिए, क्योंकि ह्यूमस से समृद्ध और अत्यधिक उर्वरक होती है। अपने शिक्षक माता पिता और अपने क्षेत्र के किसानों से वहाँ की मृदा के बारे में प्रयास किस प्रकार की मृदा है, ठीक है, केस अध्ययन केस स्टडी है, इसको पढ़ना समझना गांधी की तरह आपको समझाया गया है, ठीक है। मिट्टी होती है चिकनी मिट्टी है, ठीक है, गीली मिट्टी है, यह मिट्टी को बूंदा जाता है भाई, ठीक है, साफ करा जाता है, इसमें कुछ सूख या कंकड़ होती है निकाल दिया जाता है, उसके बाद चक्रा सा गोल सा टायर जैसा भाई, ठीक है, भाई इसको घुमाया जाता है काफी तेज रफ्तार में और फिर इस मिट्टी को डिजाइन दे दिया जाता है, उसको पका दिया जाता है और रंग करके मिट्टी के बर्तन तैयार करते हैं, गाँव में कुम्हार बनाए जाते हैं, कुम्हार बनाते हैं मिट्टी के बर्तन। मृदा प्रदान, देखो भाई मृदा प्रदान क्या होता है, मान लो कि बहुत सारे पेड़ पौधे लगे हुए हैं, ठीक है, तो यहाँ की जो मिट्टी होगी वो इनकी जड़ों के द्वारा दब रखी होगी, इनकी जड़ें जो होगी मिट्टी को दबा के रखती है, ठीक है। अब क्या हुआ, इस क्षेत्र पे से सारे पेड़ काट दिए, पेड़ काट दिए गए, भाई जड़े कमजोर हो गई, जड़े सड़ गई, कुछ दिनों बाद बारिश आएगी, बारिश आने से क्या होगा, यहाँ की जो मिट्टी होगी वो बहना शुरू हो गई, जिस तरफ ढाल होगा पानी जाएगा उसी तरफ का ही वहां की मिट्टी चली जाएगी, तो यहाँ पे क्या होगा, बिहड़ हो जाएगा, खाली बच जाएगी जमीन, मिट्टी सारी कट के बह जाएगी, उसको बोला जाता है मिट्टा पर, ठीक है। जल पवन अथवा बर्फ के द्वारा मृदा की ऊपरी सतह का हटना अपरदन कहलाता है, ठीक है भाई, हवा पानी के द्वारा पादपों की जड़ें मृदा को मजबूती से बांधे रखती है, पादपों की अनुपस्थिति में मृदा मृदा ढीली हो जाती है, इससे वह पवन और प्रवाहित जल के साथ बह जाती है। मृदा का अपरदन मरुस्थल अथवा बंजर भूमि जैसे स्थानों पर अधिक होता है, जहाँ की सतह पर बहुत कम अथवा कोई वनस्पति नहीं होती, वनस्पति पेड़ पौधे अत्यधिक वृक्षों की कटाई और वनोन्मूलन को रोका जाना चाहिए और हरित क्षेत्रों को बढ़ाने का प्रयास किए जाने चाहिए, ठीक है भाई। उगाई जाने वाली फसलों के बारे में जानकारी एकत्रित कीजिए, उपलब्ध जानकारी को सारणी 9.2 में लिखिए। अब तुम्हें ये दो तीन फसलों के बारे में पता लगाना है किस मिट्टी में होती है, या फसल कहीं उगी हो तो उसकी मिट्टी चेक करना भाई किस प्रकार की मिट्टी में उगाई गई है, ठीक है। धान के रोपण के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है, ऐसी मृदा जिसकी अंतःस्राव दर अधिक हो अथवा जिसमें यह दर कम हो, अंतःस्राव दर दर और जल धारण करने की क्षमता को क्या अंतर हुआ है, बुझो लगता है तुमने जो पहले पढ़ा था उसे भूल गए हो, पाठ को दोबारा पढ़ो तुम्हें उत्तर मिल जाएगा, ठीक है भाई। तो बुझो दोबारा पढ़ रहा है पाठ को, तुम भी दोबारा पढ़ना भाई पाठ को, ठीक है, अगर भूल गए हो, ठीक है, इस चैप्टर को पढ़ लेना, वीडियो देखने के बाद समझ में आएगा, जो पॉइंट नहीं समझ आएगा तो दोबारा समझना वीडियो में, ठीक है, एक बार फिर पढ़ना, ठीक है। भाई मृदा भी खत्म, चलो अगले लेक्चर में मिलेंगे, ठीक है भाई।